गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद विमोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 4.4 माय फाइनेंशियल करियर। सो व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। द क्लर्क्स रैटल मी, द विकेट्स रैटल मी, द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, एवरीथिंग रैटल्स मी। मीन्स हियर द राइटर सेज कि जब भी मैं बैंक में जाता हूँ आई गेट रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है गेटिंग नर्वस, इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। तो वो जब जाता है तो परेशान, नर्वस हो जाता है। द क्लर्क्स रैटल मी, वहाँ पे काम करने वाले जो क्लर्क्स होते हैं, द विकेट्स और जो काउंटर्स होते हैं जहाँ, एंड देन साइट ऑफ द मनी और जो मनी होती है, एंड एवरीथिंग वहाँ पर प्रेजेंट जो भी चीज़ें होती है वो मुझे रैटल करती है, मुझे नर्वस करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई एम अ हेजिटेटिंग जे। और जब मैंने वो बैंक में एंट्री ली, मीन्स वहाँ से वो क्रॉस करके मैं अंदर गया, तो मैं बहुत हेजिटेट, मतलब डरना, हिचकिचाना, वैसी कंडीशन में था। इफ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजेक्ट बिजनेस देर आई बिकेम अन इरेस्पॉन्सिबल इडियट। मीन्स वो बोल रहा है कि अगर मैंने कोशिश की, अटेम्प्ट मतलब मैंने अगर ट्राई किया बिजनेस ट्रांजेक्ट वहाँ पर करने का, मीन्स वहाँ ट्रांजेक्शन का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत एक इडियट लगूंगा, इरेस्पॉन्सिबल इडियट। आई न्यू दिस बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मीन्स पहले से ही उसे ये बात पता थी। बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ। मीन्स कि उसे ये पता था कि वो जब भी यहाँ पर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट उसके जो सैलरी थी वो $50 पर अ मंथ रिलीज हो गई थी, मीन्स इंक्रीमेंट हो गया था उसका। एंड आई फेल दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा इंक्रीज सैलरी है उसको रखने के लिए सिर्फ बैंक की प्रॉपर प्लेस है, तो इसलिए उसे वहाँ आना पड़ा, अदरवाइज वो वहाँ नहीं आता। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स। तो वो अंदर जाता है और आसपास देखता है क्लर्क्स की तरफ। I had an idea that a person about to open an account must needs consult the manager. उसे ये इस बात का आइडिया था कि अगर किसी पर्सन को अकाउंट ओपन करना है, न्यू अकाउंट, तो उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले बैंक के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। ओके, आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। ओके, अब ऐसा जो काउंटर था जहाँ पे विकेट मार्क किया हुआ था अकाउंटेंट। ओके, तो मैं उस विंडो के पास गया। द अकाउंटेंट वॉज टॉल, कूल डेविल। और अकाउंटेंट का अपीयरेंस बताया हुआ है कि वो एक टॉल मतलब लंबा इंसान था। डेविल मीन्स थोड़ा सा एरोगेंट लग रहा था देखने से। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल मी, और उससे देखते ही मुझे नर्वसनेस फील होने लगी, मैं डर गया। माई वॉइस स्पल क्लर मीन्स के मेरी जो वॉइस है वो मैं हिचकिचा के बोलने लगा। आई कैन आई सी द मैनेजर आई सैड एंड एडेड सोलेमली अलोन। आई डोंट नो वाई सेड अलोन मीन्स कि वो बोलता है कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ अकेले, मीन्स अलोन। वो बोल रहा है कि मैंने मतलब हेजिटेंटली ऐसे स्टेटमेंट बोला, मुझे पता नहीं मैंने अलोन क्यों बोला, राइट। सर्टनली द सेड द अकाउंटेंट, और वो जो अकाउंटेंट है वो बोलता है येस यू कैन, एंड फैश जी मतलब वहाँ से उसको लेकर जाता है। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। अब मैनेजर को देख के उसे लगा कि हाँ वो एक काम मैन है। आई हेल्ड माई $56 क्लस्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। हाँ, और जो $56 उसने रैप करके अपने पॉकेट में रखा हुआ होता है, उसने वो पकड़ के रखा हुआ था, वो फील करता है, उसे उसके उस बारे में याद आता है। आर यू द मैनेजर। अब वो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैनेजर से पूछता है आर यू द मैनेजर। गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, मीन्स कि अब ऑब्वियसली मैंने अकाउंटेंट को मैनेजर के पास ही लेकर जाने बोला था ना, तो मुझे वो पूछने की जरूरत तो नहीं थी। बट ऐसे जैसे उसने मेंशन किया है कि वो हम जब बैंक में जाता है तो रैटल मीन्स घबरा जाता है, हर चीज़ से परेशान हो जाता है, तो इसके लिए उसके मुँह से वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन निकल गया। येस ही सैड, और वो बोलता है कि येस आई एम द मैनेजर। कैन आई सी यू आस्क्ड आई अलोन, वापस से वही क्वेश्चन करता है कि मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ अलोन। आई डोंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मीन्स वो अलोन फिर नहीं बोलना चाहता था, बट विदाउट इट द थिंग सीम्स सेल्फ एविडेंट, मीन्स वो खुद ब खुद निकल गया उसके माउथ से। ओके, द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, मीन्स वो मेरी तरफ देखता है। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ सीक्रेट बताना है उसको। सो कम इन हियर ही सेड, अब जाहिर सी बात है वो उसे ऐसा पूछता है कि मतलब कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ अलोन अकेले में, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे लगता है कोई एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, कोई सीक्रेट बताना है। सो उसे वो बोलता है कि इस तरफ आओ, मतलब ही सेड एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, उसे एक प्राइवेट रूम की तरफ लेके जाता है। ही टर्न्स द की, उसे ओपन करता है। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर ही सेड सी डाउन, अच्छा उसको बैठाता है, बोलता है कि अब यहाँ पे हमें कोई इंटरप्शन मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा बीच में, हम यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस डिस्कस कर सकते हैं। ओके,
वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर. वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते. आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक. और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले. यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन आई प्रिज्यूम ही सैट. वो क्या बोलता है कि तुम कोई पिंकर्टन्स के आदमी हो क्या, मीन्स के जो उनका जो भी होगी डिटेक्टिव कंपनी या फिर उनकी राइवल कंपनी होगी वहाँ का कोई पर्सन हो क्या. ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव. और उसे उसकी बात से पता चल रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूँ, एक डिटेक्टिव हूँ. आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स. और मुझे समझ आ गया कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में. जैसे मैंने उससे क्वेश्चन किया तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कुछ सीक्रेट बताने के लिए आया हूँ, आई एम अ डिटेक्टिव. नो नॉट फ्रॉम पेंगेंटर्स आई सैड सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी. तो मैंने ऐसे कहा कि नहीं मैं पेंगेंटर से नहीं हूँ और सीमिंग टू इम्प्लाई और ऐसा लग रहा था कि मैं अभी आगे बोलने वाला हूँ कि आई एम एंड फ्रॉम अ राइवल एजेंसी. टू टेल द ट्रूथ अब सच बताने के लिए उसने आई वेंट ऑन एज एफ आई हैड प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट. अब वो कैसे भी करके वो जो समझ रहा था मैनेजर उसको एक डिटेक्टिव समझ रहा था. तो वो क्या बोलता है उसको ट्रूथ बताता है. आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल मतलब कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ. आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आया हूँ. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे आने का, मेरा पर्पज़ है कि मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करूँ और मेरा जो मनी जो मेरी सेविंग्स है वो मैं आपके बैंक में डिपॉजिट कर सकूँ. सो द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड. द मैनेजर को थोड़ा रिलीव हुआ कि मीन्स ना ही वो डिटेक्टिव है ना कोई राइवल कंपनी का एजेंट है कोई इम्प्लॉय है बट स्टिल सीरियस. बट वो सीरियस मोड में ही था. ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग काउंट. ओके और उसे ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हूँ. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड. उसने क्या बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बड़ा अकाउंट खोलना है. फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड. विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना. तो उसने धीरे से बोला यस मुझे बड़ा फेयरली लार्ज सच में बड़ा अकाउंट ही खोलना है. आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ. मतलब कि वो क्या करना चाहता है, $56 डिपॉजिट करना चाहता है एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. और मतलब कि हर मंथ रेगुलरली वो क्या करेगा, $50 डिपॉजिट करेगा. द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर ही कॉल द अकाउंटेंट. वो उठ जाता है और डोर ओपन करके मतलब वो रूम में बैठे हुए होते हैं ना प्राइवेट रूम में, तो ओपन करता है वो उस प्राइवेट रूम का डोर और मैनेजर को बुला अकाउंटेंट को बुलाता है. मिस्टर मॉन्टगोमेरी ही सैड अनकाइंडली लाउड दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट ही विल डिपॉजिट $56 गुड मॉर्निंग. ओके और उसे बोलता है कि ये जो मैन है इसको अकाउंट ओपन करना है, ये $56 डिपॉजिट करेगा. आई रोज मतलब वो उठ जाता है. अब भी गाय एंड डोर स्टूड अप एट द साइड ऑफ द रूम. हाँ और फिर वैसे ही वहाँ से डोर खुलता है ओपन होता है. गुड मॉर्निंग आई सैट एंड स्टेप इन टू द सेफ. मतलब सेफ के पास जाता है गुड मॉर्निंग बोल के. कम आउट सेट द मैनेजर कोल्डली. और मैनेजर फिर वहाँ से उसको बाहर लेकर आता है उस रूम से. कम आउट बाहर आ जाओ एंड शोड मी द अदर वे और मुझे दूसरा रास्ता दिखाता है. आई वेंट अप टू द अकाउंट All money at him with a quick conclusive movement. हाँ और वो जो मनी का बंडल उसके पास होता है बॉल ऑफ मनी वो उसे दे देता है as if I were doing a conjuring trick. जल्दी से quickly उसे निकाल के वो दे देता है. माई फेस वॉज ghastly pale means वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है. Here I said deposit it. निकाल कर देता है और बोलता है इसे डिपॉजिट कर दो. The tone of the words seemed to mean let us do this painful thing while the fit is on us. और मेरे बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था दैट आई एम वेरी मीन मीन्स एक कमांडिंग ऑर्डर में मुझे क्योंकि उसे समझ राइट ही वॉज वेरी नर्वस. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क. ओके वो जो मैंने मनी उसे उसके हाथ में दिया था हैंड ओवर किया था वो एक क्लर्क को दे देता है. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. हाँ मुझे अकाउंटेंट रहता है वो क्या करता है मुझे स्लिप पे वो जो मनी जितना मैंने डिपॉजिट करने के लिए दिया था उसे लिखने में बोलता है और साइन करने बोलता है. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. हाँ जब बैंक के सारे सीन्स मेरे आंखों के सामने चल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ बट एग्जैक्टली वो जो मुझे बोल रहे थे करने के लिए आई वॉज डूइंग दैट. इज इट डिपॉजिटेड आई आस्क्ड इन अ हेलो वाइब्रेटिंग वॉइस. वाइब्रेटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा कपकपाती हुई आवाज़ में हेजिटेटिंग वॉइस में उसने पूछा कि ये डिपॉजिट हो गए हैं. इट इज सैड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट बोलता है यस इट इज मतलब कि हाँ डिपॉजिट हो चुके. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. तो अब वो बोलता है कि मुझे एक चेक चाहिए. माय आइडिया वाज अच्छा उसे चेक क्यों चाहिए था देखो अब उसने वो $56 डिपॉजिट कर दिए थे. माय आइडिया वाज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज. ओके उसे ये लग रहा था कि वो जो $56 उसने डिपॉजिट कर दिया और उसका
चेक मांगने का पर्पस क्या था कि वो जो $6 है वो क्या कर लेगा, ड्रू कर लेगा उसमें से. समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट. हाँ अब देखो सब कैसे अलग अलग विकेट काउंटर के जो लोग रहते विंडो पे वो उसे हेल्प करते हैं. कोई एक मुझे चेक बुक देता है और कोई मुझे समझाता है कि कैसे लिखना है, क्योंकि वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है उसको. राइट द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनेयर. मतलब जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं एक ऐसा रिच पर्सन. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट एन इन एट द क्लर्क. ही लुक्ड एट इट. हाँ उसने जो भी मुझे एक्सप्लेन किया था उस क्लर्क ने, मैंने वैसे ही वो फिल किया चेक और दे दिया. वॉट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज. अब वो क्लर्क पूछता है कि क्या तुम पूरे पैसे वापस निकाल रहे हो अभी अभी जितना आपने डिपॉजिट किया. देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. अच्छा अब उसे लिखना कितना था चेक पे. अब देखो उसे एक्सप्लेन कर दिया गया था कि यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है जितना आपको विदड्रॉ करना है. तो उस जगह पे जहाँ पे उसे $6 लिखना था उसने कितना लिख दिया, $56. आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ. अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था कि मैं उसे कुछ एक्सप्लेन करूँ. अब आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. और मुझे ऐसा लगा कि अब वो थिंग जो भी चीज़ें हो रही है उसे एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए. और मेरे इस एक्टिविटी मेरे इस वर्क की वजह से जितने भी क्लर्क्स है ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी. हाँ उन्होंने अपना जो काम है वो छोड़कर मेरी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया. मतलब कि ऑब्वियसली अब सब उसे शॉकिंगली देखेंगे ना कि अभी इसने सारे अमाउंट डिपॉजिट किया $56, अभी वापस से इसको विड्रॉ करना है. सो रेकलेस विथ मिस्ट्री आई मेड अ प्लंज. और वो सब उसे मिस्टीरियस आंखों से देखने लगे. ये इज द होल थिंग. ओके उसने बोला अब ऐसा बताया ही नहीं कि मैंने वो मिस्टेकनली लिख दिया है. मुझे $6 लिखना होता मैंने 56 लिख दिया. तो उसने हाँ बोल दिया, यस मुझे विड्रॉ करना है. यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक एवरी सेंट ऑफ इट. वो वापस से कंफर्म करता है क्लर्क की, मतलब कि तुम पूरे एक एक सेंट जितना भी तुमने डिपॉजिट किया सब निकाल रहे हो वापस. आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टॉनिश्ड. अब क्लर्क एस्टॉनिश्ड मतलब सरप्राइजिंगली हैरानी से वो पूछता है उससे अमेजिंगली कि सच में तुम सारे अमाउंट फिर से निकाल रहे हो और कुछ भी डिपॉजिट नहीं रखना है तुम्हें यहाँ पर. नेवर. एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज माय माइंड. हाँ मैंने ऐसा सोचा कि मतलब हो सकता है वो मेरे बारे में ऐसा सोच ले अगर मैंने ये मेरी जो बात है वो कंटिन्यू रखी कि मुझे सब निकाल लेना है. तो हो सकता है मुझे उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जब चेक लिख रहा था तो मुझे कुछ इंसल्टिंग लगा बैंक में या फिर यहाँ के लोगों के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया और मैंने वो पूरे अमाउंट वापस से विदड्रॉ करने का माइंड बना लिया. आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर. और मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की. अब उसे देखो ये बताने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था कि मैंने $56 मिस्टेक गलती से लिखा है, मुझे 6 लिखना था सिर्फ. तो अब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत एक क्विक टेम्पर मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, जिसको छोटी छोटी बात का बुरा लग जाए वैसा पर्सन हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ इंसल्टिंग लगा इसके लिए मैं फिर से वो पूरे अमाउंट वापस निकाल रहा हूँ. हालांकि वो ऐसा नहीं था, उसने वो गलती से लिख दिया था. राइट द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. ठीक है फिर क्लर्क ने उसे वो कन्फर्म किया और फिर मनी देने के लिए उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की. हाउ विल यू हैव इट ही सेड. मीन्स आपको वो कैसे चाहिए. वॉट हाउ विल यू हैव इट. अब उसे समझ में नहीं आया, उसने पूछा वापस से क्या. अब वापस एक क्लर्क पूछता है हाउ विल यू हैव इट, मतलब कि आप वो कैसे लेंगे. ऑब्वियसली मतलब वो जो अमाउंट है मतलब 50s में लोगे, 100s में जो नोट्स है डॉलर्स है. ओह आई कॉट हिज मीनिंग. फाइनली उसे समझ आता है उसका मतलब एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s. तो फाइनली वो रिप्लाई करता है कि इन 50s में मुझे वो रिटर्न कर दो. ही गेव मी अ $50 बिल. ओके और वो मुझे $50 का बिल देता है, $50 पूरे 50s के इसमें देता है. एंड द 6 ही आस्क्ड ड्रायली. और वो जो 6 है वो कैसे दूँ. इन 6s आई सेड इन 6s. सो ही गेव मी इट मी एंड आई रश्ड आउट. मतलब उसने वो टोटल अमाउंट जितना भी डिपॉजिट किया होता है वो वापस से उसे डोर पूरा अमाउंट जो उसने वहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ होता है वो वापस से निकाल लेता है, ड्रीव कर लेता है. ओके अब वो लेकर फिर आई रश्ड आउट मतलब वो वापस चला जाता है. एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Okay, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे पीछे roar of laughter मतलब हंसने की बहुत जोर जोर से आवाज़ आने लगती है बैंक में से. Since then I bank no more. I keep my money in cash, my trouser pocket and my savings in silver dollars in a sock. हाँ और तब से वो बोल रहा है कि जब मैं वहाँ से निकला तो सब जोर जोर से हंसने लगे. ऑब्वियसली क्यों हंस रहे होंगे, क्योंकि वो पर्सन ने
अभी वो पूरे $56 डिपॉजिट किया था और $56 विड्रॉ भी कर लिया, तो इस चीज़ पे सारे हंस रहे थे वहाँ के जितने भी क्लर्क्स और एम्प्लॉयज थे। और फिर उसने उस दिन से डिसाइड किया कि वो कभी भी वो जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेगा, वो अपनी सेविंग्स, अपने जो भी कैश, जो भी मनी था उसको कैश में अपने ट्राउजर्स में और सेविंग्स को अपने सॉक में रखता था। ओके,